अम्बाला छावनी में आपसी झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। रामकिशन कॉलोनी में मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद जाहिर का झगड़ा हो गया, जिसकी CCTV भी सामने आई है। मोहम्मद जाहिर जैसे ही मस्जिद से निकला तो पीछे से मोहम्मद शरीफ ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। मोहम्मद शरीफ ने चाकुओं से लगभग 8 वार किए, जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर दोनों को छुड़वाया। घायल हुए व्यक्ति ने बताया कि उनका पहले भी कोर्ट में केस चल रहा है और आज उसी की सुनवाई थी। कोर्ट में मोहम्मद शरीफ की नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से वो खुंदक निकालने के लिए लड़ने लगा। इस मामले की जानकारी देते हुए ASI ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामकिशन कॉलोनी में दो युवकों में झगड़ा हो गया है, जिसमें शिकायत के आधार पर हमलावर मोहम्मद शरीफ पर FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, सवेरे मस्जिद के गेट पे जाके मुझे पकड़ लिया पीछे से अचानक, मेरे चक्कू मारा यहाँ पे, 8 जख्म दिए। 8 किस कारण मारा जी? उसका पहले केस चल रहा है हमारे से, हमारे साथ केस चल रहा है उसका जी। वो कल तारीख थी जी, कल उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस खुंदक में उसने आज हमें मारा। कहाँ का रहने वाला था वो? यही का बालकंड के रहने वाला है जी। क्या नाम था उसका? उसका नाम है सफीक अहमद जी। सर कहाँ दी? पुलिस चौकी भौसी मोड़ जी, लेकिन सर वो सुनाई नहीं कर रहे, वो उसकी भाषा बोल रहे सर। वो ये हमारे पास सवेरे सूचना मिली थी, रामकिशन कॉलोनी में दो व्यक्तियों का झगड़ा हो गया, जिस पर मौके पर गए तो वहाँ पर जाहिर सनोफ अब्दुल्ला जो रामकिशन का, इसको मोहम्मद शरीफ अहमद ने चोट मारी है और उसका मेडिकल कराया, उसका जो एडमिट है वहाँ पर, उसके बयान पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया, अभियोग अंकित कर दिया और इसको मोहम्मद शरीफ अहमद इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है इस केस में, जिसे केस न्यायालय के। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। सर क्या मामला हुआ है? मामला है जो ये मेरा ताए का लड़का है मोहम्मद जाहिर, ये सुबह 4 बजे जो है अपने घर से मस्जिद के लिए निकला, रास्ते में मस्जिद के गेट से थोड़े से पहले एक फौजी शरीफ नाम का आदमी है, उससे इसकी बातचीत हुई, क्या बातचीत तो पता नहीं है, और उसने इसके ऊपर जो है ना चाकू से या किसी नोक से घरेलू नोक से जो है ना इस पर वार किया, उससे जो है इस पर गाल पे जो है ना छिटा के आए हैं, ठीक है। और ये जो है ना जो फौजी है ये हर बंदे को परेशान करता है, हर बंदे को छेड़ता है, इससे लेडीज परेशान है, बच्चे परेशान है, ये कब क्या करते कुछ नहीं पता। सर ये कहाँ का मामला है? ये राम कॉलोनी पर मुस्लिम बस्ती पड़ती है, मुस्लिम कॉलोनी राम रोड पे, वहाँ का मामला है, ये उसी मस्जिद के पास का है, ठीक है। आपने पुलिस कंप्लेंट दे दी? पुलिस कंप्लेंट करा दी, FIR करा दी इसकी, पुलिस भी हमारे उसमें है, साथ दे रही है, ऐसा नहीं है, पुलिस में कर दी, सिविल अस्पताल में एडमिट है ये। तो उनकी लड़के की हालत कैसी है? लड़की अभी ठीक नहीं है, अभी बेहोश चक्कर आ रहे हैं उसको, चलते हुए चक्कर आ रहे, बोल लड़का बोलने पर दांत टूट गया है और गले के साइड पे जो है ना लेफ्ट साइड पे उसके जो है 6-7 टाँके लगे हैं, तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद जाहिर। क्या कितनी उम्र है उसकी? उसकी 60 साल की उम्र है जी। शादीशुदा है? अरे उसके बच्चे भी शादीशुदा हैं, उसके बच्चे, उसके तो पोते, दोते सब हैं उसके तो।